और जेएनके कंटिंजेंट पेड एंड कुक एजुकेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तनख्वाह देने की मांग की। उन्होंने कहा कि तनख्वाह सीधे उनके अकाउंट में डाली जाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी रुकावट के हर महीने उनकी वेजेस उन्हें दिए जाएं। 2009 से ये 1000 रुपया बंद हो जाए पे की बिल में, उससे अब तक 2022 हो गया, लेकिन इन्होंने पे हमारी बढ़ाई नहीं है। तो 30 रुपये दिहाड़ी में आज सब कौन काम करता है? 30 रुपये दिहाड़ी पर कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए हम चाहते हैं हमारी तरह बढ़ जाए, नहीं तो कल से ये खाना हम कुक का खाना बंद कर देंगे। हमारे से अभी तक 1000 रुपया पे आ रही है, तो आलू उस वक्त 10 रुपये के जी थे, आज 30 रुपये हो गए, प्याज 50 रुपये हो गया, तेल 500 रुपये तक हो गया, तो अब हमारी पे वही 30 रुपये दिन का है, इससे आगे हमारी पे नहीं आएगी। तो अगर नहीं आनी है तो हमें डिपार्टमेंट बता दे कि हम ये खाना बनाना बंद कर देंगे, कल से हमारे हर स्कूल में जो हम बता देंगे कि हमने खाना नहीं बनाना था। 2009 से कर रहे हैं ये स्कीम तो बहुत पहले से निकली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो लेकिन हमारी जो पे है वो तो 30 रुपये दिन में पड़ती है, उससे मुझे बोलो सरकार से ये नज़र नहीं आता है क्या 30 रुपये पे आज घर चलता है, बच्चे पढ़ सकते हैं या हमारे हमारा जो भी परिवार इतना है ये चल सकेगा? 30 रुपये पे आज कुछ नहीं आता है, और वो जो 1000 रुपये है वो भी हमें पर महीने नहीं मिलता है, वो भी हमें 10 ही महीने का देते हैं, लेकिन वो भी मिलता है हमें कहीं साल में मिलते हैं, दो बार देते हैं, बीच बीच में जब भी हम शोर उठाते तब हमें पेमेंट मिलती है, नहीं तो हम ऐसे के ऐसे हैं, ना हमें पे मिलती है, ना हम किसी खाते में, ना हमें समझता है कोई, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं समझता ये किसी खाते में, ये तो हमें बोलते हैं कर रहे हो काम तो करो, स्कूल वाले भी हमें दबा रहे हैं, कोई भी ऑफिसर आता है वो भी हमें दबाता है, कोई भी टीचर स्कूल में होता है वो भी हमें दबाता है, लेकिन 30 रुपये पे हमें काम ले रहे हैं ये, 30 रुपये पे इस डिपार्टमेंट को नज़र नहीं आता है, जैसे हम 50-50 हज़ार लेते हैं तनख्वाह, क्या इनका घर चलेगा 30 रुपये पे? दिया जाता है दिन का 30 रुपया, वो भी साल में 7 महीने का टोटल। हमारे पूरे ये डिस्ट्रिक्ट रामन में कोई 1400-1500 स्कूल है जो हम काम करते हैं, हमें ना दिन का नॉर्मली होना चाहिए, जो मिनिमम वेजेस अभी एक्ट लागू किया गया है बोल रहे हैं हमने लागू किया, मगर वो हमारे मतलब ज़मीनी सतह पे वो कुछ नहीं है, किसी को मिला नहीं। अभी बोल रहे थे हमने 300 रुपये कर दिया 50 रुपये वाले को भी, 30 रुपये वाले को भी, मगर वो भी हमें नहीं मिला, हमें अभी भी वही 30 रुपये दिन का मिलता है, वो भी महीने पर डालते हैं, किसी महीने पर डालते हैं 200, किसी महीने पर डालते हैं 400 रुपया। अब यही हम आखिरी मतलब ये मतलब अपील करते हैं गवर्नमेंट से, अगर हमारा मसला हल नहीं किया गया तो हम वैसे भी हम सुबह से स्कूल में खाना बनाना बंद कर रहे हैं, 2005 से 2000 से पूरा हम रोडों पे बैठे, जम्मू में डायरेक्टर ऑफिस सी ऑफिस हर जगह, हमें ऐसे ही खेल समझ के रखा है इन्होंने, आगे इलेक्शन आएंगे ये भी याद करके रखें, इनको हम पक्का बोल रहे हैं अगर ये इलेक्शन से पहले नहीं किया हम इलेक्शन करने नहीं देंगे, हमारे स्कूल में इलेक्शन होता है, पीछे कोविड आया हमने ही उधर भी खाना बनाया, हमारे जाने भी गई, हम अगर नहीं मतलब ये अगर नहीं कर रहे हमारा मसला इलेक्शन से पहले हल, हम इलेक्शन भी करने दे देंगे। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।